भारतीय जाति व्यवस्था हिंदू समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था आदिकाल से रही है। इस व्यवस्था ने हिंदू सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। हमारा समाज पूर्ण रूप से जाति व्यवस्था पर आधारित है। इस व्यवस्था की जड़ें भारतीय समाज में इतनी गहरी है कि इन्हें आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता है। भारतीय समाज का शायद ही कोई समुदाय या समूह ऐसा हो जो जाति व्यवस्था के प्रभाव से अपने आप को दूर रख सके हो। विश्व के किसी भी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अपने शुरुआती समय में जाति व्यवस्था इतनी कठिन नहीं थी जितनी की बाद में हुई। शुरू में केवल 4 ही जातियां थी, आप सभी जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु आज इनकी संख्या बढ़कर 3000 से भी अधिक हो चुकी है। इसी संदर्भ में JH Hutton का कहना है कि भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आप सभी का द ब्लैक बोर्ड में स्वागत है। आज हम आपको भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के बारे में बताएंगे। हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम आपके सामने तथ्यों के आधार पर ही अपने विचारों को प्रकट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि जाति व्यवस्था क्या है। जाति व्यवस्था का उद्गम खोजना किसी नदी के उद्गम की खोज के समान एक कठिन कार्य है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस बात को लेकर सामाजिक विचारकों में मतभेद रहा है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सैकड़ों वर्ष से कितने ही भारतीय व विदेशी विद्वान जाति व्यवस्था के उद्गम को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहे हैं। प्रत्येक विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति व विकास के संबंध में विचार प्रकट किए हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि कौन सा विचार या मत जाति व्यवस्था के लिए उचित एवं वैज्ञानिक है। किसी विद्वान ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणों की चतुरता बताया है, किसी ने इसे कर्मकांड का प्रतिफल बताया है। तो दोस्तों, आज हम इन जाति व्यवस्था की ऐतिहासिकता को समझेंगे और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना करेंगे। परंपरागत सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या वेदों, उपनिषदों, धर्म शास्त्रों और संस्कृतियों में मिलती है। ऋग्वेद के अंतर्गत जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पहले वर्णन मिलता है। इसका मुख्य आधार है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 19वां मंत्र, जो पुरुष सूक्त कहलाता है। इस पुरुष सूक्त में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की उधर व झांग से, शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है। शरीर के इन सभी अंगों के अलग अलग काम हैं, इसलिए इन चारों जातियों के भी अलग अलग काम हैं। मुख का काम होता है बोलना। मुख शरीर में वाणी का केंद्र है, जिसमें चिंतन मनन भी सम्मिलित है। अर्थात जिन लोगों का काम चिंतन मनन, उद्देश्य तथा शिक्षा देना था, वो ब्राह्मण कहलाए। भुजाएं शक्ति का प्रतीक है तथा उनसे उत्पन्न व्यक्ति क्षत्रिय कहलाए। उधर वो झांग उत्पन्न के प्रतीक है, उत्पादन के प्रतीक है, अतः वे वैश्य कहलाए। ये कृषि के उत्पादन का कार्य करते थे। पैरों का काम शरीर के भार को वहन करना है, अर्थात जो व्यक्ति अन्य तीनों के भार को धारण किए हुए है, वह शूद्र कहलाए। मनुस्मृति में भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ही चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। उसमें लिखा है कि संसार की समृद्धि तथा कल्याण के लिए ब्रह्मा ने अपने मुख, बाहु, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति की। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 100 ब्राह्मणों, 100 क्षत्रियों को, 100 वैश्यों को तथा 100 शूद्रों को जन्म दिया और इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना की। गीता में कृष्ण ने कहा कि मैंने गुण धर्मों का विभाजन करके 4 वर्ण उत्पन्न किए हैं। शुरू में यह सामाजिक संस्करण वर्ण व्यवस्था के रूप में था, जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ। इन चारों वर्णों से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों से जातियां एवं उपजातियां विकसित हुई। मनुस्मृति के आधार पर चारों वर्णों के कर्तव्य, धर्म
इस प्रकार है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना तथा करवाना, दान देना तथा दान लेना। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए वेदों का अध्ययन करना आवश्यक बताया गया है। क्षत्रियों का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, दान यज्ञ अध्ययन करना, नृत्य भोग आदि विषयों में आसक्ति का ना होना। आसक्ति से प्रजा पालन में बाधा पड़ती है, इसलिए क्षत्रियों के लिए यह सबसे ज्यादा वर्जित माना गया है। वैश्यों के कर्तव्य है पशुओं की रक्षा, दान, ध्यान, वाणिज्य, ब्याज लेना तथा कृषि। यह वैश्यों के कर्तव्य है। ब्रह्मा ने शूद्रों को केवल एक ही कर्तव्य बताया है कि वो तीनों वर्णों के बिना निंदा किए सेवा करें। ये सिद्धांत कहाँ तक सही है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थकों में फ्रांसीसी विद्वान अबे डुब्रियस का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर योजना का रूप है। ब्राह्मणों ने यह जाति प्रथा अपने लिए अपनी सर्वोच्चता को स्थायी बनाने रखने के लिए बनाई थी तथा जो उनकी रक्षा कर सके उन्हें ब्राह्मणों ने अपने से दूसरा स्थान दिया था, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाए। इसके पश्चात उन लोगों को स्थान मिला जो जीवित रहने के साधनों जैसे भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंधन करते थे, ऐसे लोग वैश्य कहलाए। समाज के शेष अन्य लोगों को सबसे निम्न स्थिति प्राप्त हुई जो शूद्र कहलाए। डॉक्टर जी एस घुरिये ने भी इस सिद्धांत को अपनी सहमति दी है। इनका मत है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया। मान्यता है कि ब्राह्मणों का समाज में प्रमुख स्थान था। इस यदि हम ब्राह्मणों को दिए गए अधिकारों को देखते हैं ना, तो यह सिद्ध जो ये सिद्धांत है ये कुछ हद तक उचित प्रतीत होता है। अबे ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए विभिन्न प्राचीन समाजों का सहारा लिया है। उनके अनुसार जाति के आधार पर केवल भारतवर्षी नहीं बैठा हुआ है, बल्कि मिस्र, इसराइल, फ्रांस आदि में भी यह व्यवस्था पाई जाती है। मिस्र में व्यवसाय वंशानुगत होते थे, पिता के व्यवसाय को पुत्र अपनाता था, और भारतीय समाज भी उन प्राचीन समाजों में से एक है। ब्राह्मणों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि उनका व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ है और मानव समाज के लिए अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना तथा अन्य को अपने से निम्न। आप इस सिद्धांत से कितने प्रभावित हुए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंत में धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश है, सभी जानते हैं। प्राचीन काल से ही धर्म का सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में विशेष महत्व रहा है। कुछ विद्वान जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंध धर्म से जोड़ते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में धर्म को आधार मानने वालों में सर्वश्री हुकाट तथा सेनाट प्रमुख है। इस सिद्धांत के अनुसार धार्मिक कारणों के परिणाम स्वरूप ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संभव हुई है। प्राचीन युग में मानव के जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। इस कारण जो लोग धार्मिक कार्यों को करते थे उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव था। ब्राह्मण धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए ब्राह्मणों को जातीय स्तर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अब हम हुकाट तथा सेनाट के जातीय उत्पत्ति से संबंधित विचारों को अलग अलग रूप में देखेंगे। हुकाट का कहना है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का संबंध धार्मिक कर्मकांड उससे है। उसके अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को धार्मिक आधार पर बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। जाति से संबंधित पवित्रता व अपवित्रता की धारणा धर्म से जुड़ी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक जाति के साथ व्यवसाय जुड़े हुए हैं। इन व्यवसाय के वितरण का आधार धार्मिक है। इनके अनुसार जाति व्यवस्था में सभी जातियों की स्थिति समान नहीं है, जो समाज का स्थायी विभाजन है। सिनॉट का कहना है कि हकर्ट ने अपने मत में भोजन संबंधी विभिन्न प्रकार के नियमों व निषेधों का वर्णन नहीं किया है। यह उनके मत की सबसे बड़ी कमी है। सिनॉट ने हुकाट की इस कमी को दूर करने की चेष्टा की। उन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास को भोजन संबंधी प्रतिबंधों के आधार पर समझने का
प्रयास किया। इन दोनों विचारकों के मतों से आप कितने सहमत है हमें आप जरूर बताइए। आपने कमेंट करना है आप इन सभी विचारों में से किसको अपनी सहमति देते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी भारतीय जाति व्यवस्था के एक खास टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।